मुरैना में भरे मंच से मुकेश मल्होत्रा बोले, अब मैं 44,000 वोट नीटू भाई की छोली में डालता हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए बोले कि चाय को तीसरी बार कर्म करके नहीं पीना है, जहर कट जाएगी। खबर मुरैना से है, जहां आज कांग्रेस के मुरैना लोकसभा प्रत्याशी नीतू सिकरवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आई। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद रहे। अभी विजयपुर विधानसभा में दल बदल की खबरें थमी भी नहीं थी कि आज फिर एक नया रुझान आ गया। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सरपंच संघ के अध्यक्ष आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और मुरैना पहुंचकर प्रियंका गांधी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं चुनाव सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मल्होत्रा बोले कि चाय को एक दो बार तो गर्म करके पिया जा सकता है, मगर तीसरी बार में वह जहर बन जाती है। वहीं मल्होत्रा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए राम निवास रावत को भी खूब घेरा। बोले कि राम निवास रावत जैसे कदावर नेता के बीजेपी में चले जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगा। मैं मुकेश मल्होत्रा अब कांग्रेस में आ गया हूं और ये वचन देता हूं कि विजयपुर विधानसभा से पूरे वोट नीटू सिकरवार की छोली में डाल दूंगा। देखिए संवाददाता में श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। Yeah.